तो आज हमारा है एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेनफॉल इन एमएम इन द सिटी ऑन द 7 डेज ऑफ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज द फॉलो। क्या है? रिकॉर्ड करके दिया हुआ है। रेनफॉल कितना है देखो, मंडे को के 0.0 है, ट्यूजडे को 12.2 है, वेडनेसडे को 2.1 है, थर्सडे को 0.1 है, फ्राइडे को 20.5 है, सैटरडे को 5.5 है और संडे को 1.0 है। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड करके दे रखे 7 डेज के रेनफॉल, क्या ये एमएम में मिलीमीटर में। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। हमें क्या निकाल? रेंज। तो आपको मालूम होता है रेंज इक्वल टू क्या होता है? रेंज हमारा क्या होता है? रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट, लोएस्ट वैल्यू मतलब कहने का मतलब कि हाईएस्ट रेनफॉल कितनी हुई। तो हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे कितनी है? 20। तो रेंज निकालने के लिए 20.5 माइनस लोएस्ट कितनी है हमारी? 0.0 है, ये सबसे कम ये हुई। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी? 20.5, क्योंकि 0 माइनस करने तो वही आएगा हमारा, तो रेंज हमारी ये होगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। अब हमें मीन निकालना है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा मीन क्या होता है। मीन इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पहले सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब सम करना तो हमें निकालना है सम। तो सम क्या है? पहले तो 0.0 है प्लस 12.2 है, फिर कितना है? 2.1 है, फिर 0.0 है, फिर प्लस 20.5 है, प्लस 5.5 है, प्लस 1.0 है, और अपॉन में कितना है? अपॉन में 7 है क्योंकि 7 डेज का है। ठीक है, तो हमने इसको प्लस कर रखा। आप इसको प्लस करके देखना क्या 12.200 को प्लस करने की जरूरत नहीं, 5.5 और 1.0। तो कहेंगे 5 5 क्या होता है? 10 होता, 10 11, और 2 कितना होता है? 13, 13 का 3 कैरी 1, और यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट कैरी यहाँ। ठीक है, 2 1 3 कैरी 1 3 हो जाएगी, 3 2 5 5 10 1 11, 11 का 1, ये 2 1 3 वही कैरी 4, कितना आ रहा? 41.3 अपॉन कितना? 7 है, अपॉन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, अब हमें देखना है इसको 7 से सीधे डिवाइड करके देखते हैं हम 41.3 को। 7 5 जो कितना होता है? 35 होता है। 11 5 गया 6, यहाँ तो 0, ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ चले जाएगा यहाँ, और 7 9 जो 63, तो कितना आ जाएगा? 5.9, मीन हमारा आ जाएगा 5.9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है? हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल हमारी कितनी हुई भाई? हमें एवरेज निकाल दें कितना? 5.9। अब इससे कम कितनी बार रखी थी? तो हम देखेंगे इतनी बार, 1 0 0 5.9 से कम है, 2.1 5 पॉइंट से कम है, 3 5.9 है तो 5.5 है, ये भी कम है, और ये तो 5 डेज, कितनी डेज हुई? 5 डेज, 5 डेज लेस देन रेनफॉल इज लेस देन मीन रेनफॉल। ओके,